नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो प्यार आपसे मिल रहा है, जो कमेंट आपसे मिल रहे हैं। इसी तरह से हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हेल्पफुल लगे, आपके लिए काम आ रही हो वीडियो, तो उसको लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अब चलते हैं हम जो पढ़ रहे थे उस पर वापस। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हमने रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। रियल नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, इनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, डेसिमल, दशमलव रूप और इंटीजर। डेसिमल हम कंप्लीट कर चुके थे, इसको हम पढ़ चुके थे। इसमें कौन से रैशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे, वो चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है इंटीजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उनका वर्गीकरण कैसे होता है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी और वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उससे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर की, क्या होते हैं पूर्णांक। सबसे पहले हमने पढ़ा था कल की ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। क्यों होती है? क्योंकि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टू थ्री फोर, वहाँ पर क्या होगा, क्यू वन होगा आपका, और जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अब इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और नॉन नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव नहीं लिख रहा मैं, नॉन नेगेटिव लिख रहा हूँ। फर्क आपको समझ में आ जाएगा, हम पॉजिटिव नेगेटिव में भी इसको डिवाइड करेंगे। ये ऋणात्मक है और ये वो है जो ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक नहीं है वो है, और ये ऋणात्मक है। तो इसमें कौन सा आएगा, तो -1, -2, -3, -4 अप टू -∞। और इनमें कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है। अब जो ये नॉन नेगेटिव नंबर है, जो ऋणात्मक नहीं है, जो जीरो से शुरू होते हैं, इनको हमने पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम जीरो को ना तो पॉजिटिव में मानते हैं ना ही नेगेटिव में मानते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर यहाँ पर जीरो साथ में लिखना है आपको, तो आप कहोगे ये नॉन नेगेटिव है, ये नहीं कहोगे कि ये सारे पॉजिटिव हैं। और इन्हीं नंबर को क्या कहते हैं, ये जो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, इन्हीं को कहते हैं वॉल नंबर। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको क्या कहते हैं? इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और किस चीज में? यहां से हमने ये समझ लिया कि जो नॉन नेगेटिव नंबर है वो वोल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होते हैं। और कैसे इनको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण और किस आधार पर कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जीरो भी नाइदर
नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ना तो नेगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव में कौन से होंगे, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, अप टू माइनस इनफाइनाइट। और पॉजिटिव में कौन से होंगे, तो वन, टू, थ्री, फोर, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। और इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं, इनको ही हम कहते हैं, समझने वाली बात जो है वो क्या है कि इन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याएं, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ये होंगे आपके नेचुरल नंबर्स। तो यहां से हमने वॉल नंबर्स भी निकाल लिए, नेचुरल नंबर भी निकाल लिए, रैशनल इरेशनल हम पहले पढ़ चुके हैं, रियल इमेजिनरी इंटीजर डेसिमल वो भी हम पढ़ चुके हैं, यानी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और इंटीजर को किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इंटीजर को आप दो तरह से और डिवाइड कर सकते हो, कैसे, इवन नंबर और ऑड नंबर। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन और ऑड में डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे कि जी इवन यानी सम संख्या है, ऑड यानी विषम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती है, जो दो से पूर्ण विभाजित हो, दो से पूर्ण विभाजित हो, और ये जो दो से पूर्ण विभाजित ना हो, ठीक है। तो इनमें कौन से होंगे, इनमें होंगे माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, और ये आगे चलता जाएगा, यहाँ होगा जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट। यानी ये किस फॉर्म में होते हैं, ये टू के की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। K कोई भी नंबर हो जाएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है। तो अब ये बात यहाँ पर आती है कि जी जीरो इवन में आएगा कि ओड में, तो हमने यहाँ पर इवन में लिखा है, क्यों, क्योंकि जब भी जीरो को दो से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण विभाजित होगा, और पूर्ण विभाजित होगा तो वो दो से अगर भाग हो रहा है तो वो सम संख्या होगी। और इनको किस फॉर्म में लिखते हैं, इनको लिखते हैं टू के प्लस वन। नंबर कौन कौन से होंगे, तो माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव, इधर ये चलता जाएगा, और इधर वन, थ्री, फाइव, सेवन, और ये भी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इंटीजर को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, और इवन और ऑड, ठीक है। अब हम इवन ऑड के बारे में पढ़ते हैं कि इवन ऑड के क्या रिलेशन बनते हैं जो हमें आगे काम आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप इतनी समझ गए होंगे। आप रिस्पॉन्स ज़रूर देना, अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगे तो आप ज़रूर कॉमेंट करना, ठीक है, कि ये कमी है सर, इसको आप सुधारिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर अच्छी लगे तो मोटिवेट ज़रूर करना, आपका मोटिवेशन ही है जो काम करने की शक्ति देता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, इवन ऑड की बात करें तो जब भी आप ऑड नंबर में प्लस या माइनस करोगे, क्या ऑड नंबर तो क्या आएगा, जब भी आप ऑड नंबर में प्लस माइनस करोगे ऑड नंबर, तो नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। कैसे, सेवन में से आपने थ्री को माइनस कर दिया, क्या आएगा, फोर आएगा। सेवन में आपने थ्री प्लस कर दिया, कितना आएगा, टेन आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर उठाओगे, ऑड नंबर उठाओगे दोनों, तो क्या आएंगे, इवन आएंगे। उसके बाद में अगर आप इवन या फिर ऑड में से प्लस माइनस करते हो इवन नंबर, ठीक है, तो क्या नंबर आएगा, तो नंबर आएगा जी ऑड। कैसे, आपने फाइव में से टू माइनस किया, थ्री आ गया, फाइव प्लस टू किया, सेवन आ गया। कोई भी नंबर उठाओगे, सेवन प्लस टू किया, नाइन आ गया, सेवन प्लस फोर किया, इलेवन आ गया। यानी सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इवन प्लस माइनस इवन करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। इवन में से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बता देता हूँ मैं, ठीक है। सिक्स माइनस टू करोगे, फोर आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ऑड
इंटू ऑड क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। ऑड इंटू इवन क्या होगा, इवन नंबर होगा, और इवन इंटू इवन क्या होगा, ये भी इवन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी इवन नंबर यानी दो की मल्टीप्लाई हो रही है किसी के साथ, तो वो दो की मल्टीप्लाई वाला नंबर ही देगा, यानी इवन नंबर ही देगा, सम संख्या ही देगा। ऑड की मल्टीप्लाई ऑड के साथ कर रहे हो, तीन की मल्टीप्लाई पाँच के साथ कर रहे हो, कितना आएगा, 15 आएगा, यानी वो ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टू का मल्टीपल नहीं है, और जब तक टू का मल्टीपल ना हो तब तक इवन नंबर नहीं आ सकता। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जी जीरो को हमने सम संख्याओं में क्यों रखा, क्या ये ऑड विषम संख्याओं की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता? तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अगर आप सात में से जीरो घटाते हो तो सात ही आएगा, आना चाहिए था इवन लेकिन ऑड आ गया। लेकिन अगर इवन की प्रॉपर्टी की जगह देखते हो, इवन की प्रॉपर्टी की जगह रखें तो सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। ऑड नंबर में से अगर सात में से आपने प्लस किया जीरो तो सेवन ही आया, यानी ऑड नंबर ही आ रहा है। यहाँ पर दोनों जगह इवन इवन पूछा, इसने छः में आप जीरो जोड़ोगे तो छः ही आएगा, दो में आप जीरो घटाओगे तो दो ही आएगा, यानी इवन ही आ रहा है। यहाँ पर ओड की प्रॉपर्टी नहीं दर्शा रहा है, ये इवन की प्रॉपर्टी। यहाँ भी रखोगे तो आपने अगर ओड में जीरो रख दिया तो यहाँ पर जीरो रखोगे तो यहाँ कोई भी इवन नंबर रख रहे हो। अब मान लेते हैं आपने आठ रख दिया तो आठ आया ना, आना चाहिए था ओड, आ गया इवन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी दर्शा रहा है, कि इवन नंबर की प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। भाई खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, सक्सेस आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तरह ही खुश रहना है आपको, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं उनका। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई इन टू पार्ट्स। कौन कौन से? तो आप कहोगे कि जी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है एक से, दो तीन, और ये कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक। तो यानी सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी अगर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो तो वो भी पॉजिटिव नंबर को ही कर रहे होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा प्राइम और एक हो जाएगा कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या, कंपोजिट होते हैं भाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिनके दो गुणनखंड। कौन कौन से? तो जिस भी नंबर के दो गुणनखंड होंगे, कौन से, एक तो एक होना चाहिए और एक वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। यानी जैसे आपने लिया 11, तो 11 का गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड होते क्या हैं जिससे वो पूरा पूरा भाग हो जाए। तो गुणनखंड क्या होंगे 11 के, एक तो एक होगा, ये एक से पूरा भाग होगा, और एक एक 11 से भाग होगा, यानी वो इटसेल्फ हो गया। इसी तरह अगर आप 31 लेते हो तो ये एक और 31 से भाग होता है, 7 लेते हो तो ये एक और 7 से भाग होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, उसके सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए, तीन भी नहीं होने चाहिए और एक भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब है कि दो होने चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, तो अगर आप एक से स्टार्ट करते हो तो आप क्या कहोगे कि जी एक का तो एक ही गुणनखंड होता है, और एक को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका तो एक ही होता है, लेकिन होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए दो, तो एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। दो के तो दो के, एक तो एक से भाग होगा, एक दो से होगा, यानी ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तीन तो एक से भाग होता है,
और 3 से भाग होता है तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। 4, 4 3 से भाग, 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, तो फैक्टर 3 हो गए, यानी 4 नहीं होगा, उसके बाद में 5 होगा, उसके बाद में 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी भाग होता है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और इसी तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि आपको ये देखना है कि एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है कि नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, यानी सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी तो आप आंसर कर सकते हो। और 3 विषम कॉन्जुकेटिव प्राइम नंबर्स कौन से हैं? तो आप कहोगे कि जी वो होंगे 3, 5 और 7। 3 कर्मागत विषम अभाज्य संख्याएं पूछ ली जाए तो यही 3 होंगी सिर्फ, इसके अलावा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप कम ज़्यादा का होता रहता है, जैसे 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 होगा, यानी 3 कॉन्जुकेटिव। कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, 2-2 का डिफरेंस यहाँ पर तीनों के बीच में है, तो यही होंगे 3 कॉन्जुकेटिव कर्मागत विषम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर आपको बताने 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे कि जी 15 होगी। 50 से 100 के बीच तो आप कहोगे जी 10 होगी, और 1 से 100 के बीच कितनी हो जाएगी फिर, तो 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम कंपोजिट नंबर की ओर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो, वो होंगे आपके कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्याओं में आप क्या लिखोगे कि जी 3 गुणनखंड होने चाहिए। अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो आप कहोगे कि जी 1 का तो 1 ही गुणनखंड होता है, वो खुद होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिट भी नहीं होगा, यानी 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है, ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। 2 तो 2 आपने लिखा था कि जी 2 प्राइम नंबर होता है तो कंपोजिट कैसे होगा, इसी तरह 3 भी प्राइम होता है तो कंपोजिट कैसे होगा। तो 4 हो जाएगा, ये किससे? 1 और 2 और 4 से, तीनों से भाग होता है तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में 6, 1 3 और 1 2 3 और 6 से भाग होता है, कम से कम 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद में 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 को भूलना नहीं है। 9 एकमात्र सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या आपसे पूछी जाए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 9 होगी। ठीक है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। 10, 12, 14, 15 ये आगे चलता रहेगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 9 होगी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखना। चलो, तो ये था कंपोजिट नंबर के बारे में। अब अगर प्राइम की फिर से बात करें तो को प्राइम आ जाता है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कोई भी 2 नंबर दिए हुए हों जिनका HCF 1 हो, जैसे आपको दे दिया 7 और 9, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? वो 1 ही है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है HCF, तो एक ही है ना इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। इसी तरह आपको 15, 16 दे दिया तो ये भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, यानी जिन दोनों का HCF 1 हो, जिन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आए, वो क्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। इससे आपको कोई मतलब नहीं है
कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, उस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं। इन दोनों के बीच, इन दोनों में क्या होना चाहिए, एच सी एफ वन होना चाहिए, वो होती है अभाज्य संख्या। इसके बाद में बहुत बार पूछ लिया जाता है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, जिन दो प्राइम नंबर्स के बीच में, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में दो का गैप हो, यानी आप लिख सकते हो 11, 13, 17, 19, ये क्या होंगे, ये ट्विन प्राइम होंगे, 3, 5, ठीक है, 29, 31, ये क्या हो जाएंगे, ये ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर देता है। तो द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, हिंदी में इसकी बता दूंगा आपको, द सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी उस नंबर को छोड़कर, इज इक्वल टू दैट नंबर, इज नॉन एज परफेक्ट नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके फैक्टर, जिसके गुणनखंडों का योग जो है वो उसके नंबर्स के बराबर आए, उस नंबर के बराबर आए, उस नंबर को छोड़ देना है, उस नंबर को उस योग में नहीं लेना है, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि जी 6, तो 6 किस किस से भाग होता है, उसके गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 1, 2, 3, 6, तो इस नंबर को छोड़ देना है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, और इनको जोड़ना है, तो आप कहोगे 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6, यानी ये क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। तो एक अंक की संख्या जो परफेक्ट नंबर है वो कौन सी है, वो 6 है, ठीक है। उसके बाद में अगर दो अंकों की पूछी जाए तो 28 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 3 से नहीं होता, 4, 5, 6 से नहीं होता, 7, उसके बाद में 14, और उसके बाद में 28, तो उस नंबर को छोड़ देना है, इनको ऐड करोगे 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27 और 1, 28, टोटल 28 आ रहा है ना, यानी ये एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से आपसे तीन अंकों की ऐसी संख्या पूछ ली जाए जो परफेक्ट नंबर है, तो आप कहोगे जी 496 होगी, ये आपको याद रखना है, यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अंक की 6 होती है, दो अंकों की 28 होती है, तीन अंकों की 496, और बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है कि सभी संख्याएं परफेक्ट नंबर हो जाए। तो यहीं पर हम इन चीज़ों को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कोई भी कमी हो तो भी बताना। आज की वीडियो में इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।